मेरे फिक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 24 मार्च से कोरोना वायरस की महामारी के चलते केंद्र सरकार ने पूरे भारत भर में लॉकडाउन की और कर्फ्यू की घोषणा की। खास करके महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, पुणे, ये तमाम इलाके इस महामारी के चपेट में ज्यादातर आगे चले गए। मरीजों की संख्या बढ़ती चली गई, एक तरफ ये महामारी, दूसरी तरफ लॉकडाउन और कर्फ्यू। ऐसे में हर तरह का रोजगार बंद होने की वजह से लोगों पर, खास करके जो दिहाड़ी मजदूर हैं, रास्ते पर अपनी जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन के साथ साथ मिडिल क्लास तक के वर्ग को जो है, ये भूखमरी के, बेकारी के और हर तरह की परेशानी के चटके बेतहाशा झेलने पड़े। ऐसे में ही कलवा मुमरा के विधायक और महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, इनके मार्गदर्शन में लगभग 13 से 14 जगह किचन कम्युनिटी सेंटर शुरू किए, लेकिन उनके अपने स्वास्थ्य के कारणों के चलते कुछ किचन कम्युनिटी सेंटर उसमें से बंद हुए, कुछ उसमें से अभी भी चल रहे हैं। मगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मंत्री जितेंद्र आव्हाड, इनके एक अहम सिपे सालार, एक मुख्य सिपे सालार का रोल निभाते हुए शमीम खान ने, जो कि कलवा मुमरा विधानसभा के पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, ठाणे मनपा में परिवहन समिति के सदस्य भी हैं, ऐसी एक भूमिका निभाई अपने मंत्री और नेता जितेंद्र आव्हाड के मार्गदर्शन में। किचन कम्युनिटी सेंटर भले कई जगह बंद हुए, मगर जरूरतमंदों को, गरीबों को और जो अपनी तकलीफ बयान नहीं कर सकता, ऐसे समाज के हर वर्ग के लोगों तक राशन मुहैया कराना, राशन यानी उसमें सिर्फ आप समझेंगे दाल, आटा, चावल, तेल है तो ऐसा नहीं, और भी जरूरत की कई चीजें उसमें शामिल है, ऐसी किट बना करके राशन की ऐसे कई लोगों तक उन्होंने पहुंचाई, सैकड़ों से आगे का ये आंकड़ा है। आंकड़ा बयान करने से खुद शमीम खान साहब ने मना किया है, ये तादाद बतानी नहीं है और लेने वालों की और देने वालों की किसी भी तस्वीर और वीडियो का यहाँ कोई शुमार नहीं करना है, क्योंकि ये जरूरत की बात है, इंसानियत की बात है। मगर कैसे काम चल रहा है, किचन कम्युनिटी सेंटर बंद होने के बाद किस तरह से ये इंसानियत की खिदमत को अंजाम दिया जा रहा है, ये बताना भी एक हद तक जरूरी था, इसलिए आज ये सारा जो है आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ है मंत्री जितेंद्र आव्हाड और अध्यक्ष शमीम खान साहब के एक साथी जनाब शोएब खान साहब। शोएब भाई, क्या जानकारी देंगे, किस तरीके से काम चला? 24 तारीख को लॉकडाउन हुआ है, किचन कम्युनिटी सेंटर चले लगभग 3 सप्ताह या 4 सप्ताह तक, 3-4 हफ्ते तक ये किचन कम्युनिटी सेंटर चले, उसके बाद किस तरीके से फिर पूरा आगे का मामला संभाला गया, क्या क्या निर्देश रहे गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड के, आपके अध्यक्ष शमीम खान साहब के, और कैसे आप लोगों की टीम ने पूरा काम किया? और रफीक भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों का, आपके माध्यम से सारे लोगों का, जिन लोग सुन रहे होंगे मेरी बात, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज जितेंद्र आव्हाड साहब हमारे मिनिस्टर और शमीम भाई की फैमिली, आव्हाड साहब की फैमिली, आप लोगों की दुआओं से कोरोना और कोविड-19 की जंग लड़के जीत के आज आ चुके हैं, इस वक्त क्वारंटाइन है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब लॉकडाउन चालू हुआ, डे 1 से आव्हाड साहब ने मिनिस्ट्री का काम बंद करके पूरा फोकस कलवा मुमरा चालू कर दिया था। डेली आते थे अपने पूरे अमला के साथ, कहाँ प्रॉब्लम, कैसे प्रॉब्लम, क्या सॉल्व करना, सारी चीज़ें। उस वक्त बदकिस्मती से शमीम भाई गांव से आउट ऑफ थे, लेकिन कंटिन्यू एक दूसरे से संपर्क में थे, तो तभी से वो सारी चीज़ें प्लान हो गई थी, हमको आगे कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें प्लान हो रही थी। और आव्हाड साहब और शमीम भाई ने मिलके जो ये कम्युनिटी सेंटर चलाया, खाने का एक 14 सेंटर चला था यहाँ पे, मेरे ख्याल से लॉकडाउन के कुछ 3-4 दिन या जो भी 3-4 दिन के आसपास होते ही कम्युनिटी सेंटर 14 जगह चल रहा था। पहला जो लॉकडाउन था वो लॉकडाउन ख़त्म होने तक डेली वो कम्युनिटी सेंटर चलाया जगह 14 जगह चलाया गया। और हम लोग जैसे इलेक्शन में वार्ड वाइज काम करते थे, हमारी उन सारी टीमों ने वार्ड वाइज उस कम्युनिटी सेंटर के जरिए लोगों तक, मुस्तैक लोगों तक खाना पहुँचाया, दोनों टाइम, सुबह और शाम दोनों टाइम हमारे उन लोगों ने वो खाने का पैकेट वहाँ तक ले जाके पहुँचाया। ये रही बात लॉकडाउन फर्स्ट के आसपास, उसी दौरान जबकि पूरी दुनिया में या पूरे हिंदुस्तान में और बड़े नेता लोग घरों में बैठ के कोई सब्जी बना रहा था, कोई खाना पका रहा था, दिखा रहा था कि मैं लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहा हूँ, मगर हमारे मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने, शमीम भाई एंड कंपनी और सारी टीम ने जान पे खेल के एक एक जगह जाके सारी चीज़ों का मुआयना करके अपने हाथ से, अपने आंखों से देख के
वो उन्होंने काम को निभाया। कम्युनिटी सेंटर बंद होने के बाद मेरे ख्याल से जब इसी दौरान आपको बताना चाहेंगे, इसी दौरान शमीम भाई यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट भी और आवार्ड साहब उस कोरोना बीमारी से इन्फेक्टेड हो गए, पॉजिटिव पाए गए, पूरा हाहाकार मच गया हमारी पूरी टीम में। फिर भी ये लोग हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाने के बाद भी वहाँ से भी कांटेक्ट में थे, शमीम भाई और हमारे लोग सब कांटेक्ट में थे। वहाँ से भी रहने के बाद भी इन लोगों ने ये सेंटर बंद होने का और चीज़ें मुहैया कराने का बंद नहीं किया। कुछ दिन तक शायद कम्युनिटी सेंटर बंद था, उसके बाद भी कम्युनिटी सेंटर चालू किया गया। गवर्नमेंट के कुछ जो राशन आए थे और दूसरी चीज़ों को लेकर कुछ कम्युनिटी सेंटर तब भी चालू था, लेकिन उस दौरान इन लोगों के डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के और शमीम भाई के कहने के हिसाब से, उनके हिसाब से हम लोगों ने काम किया। हमारी पूरी टीम जो बची हुई थी सब लोगों ने घर यहाँ पे रह के फोन से सारी चीज़ें किया, लोगों को ज़रूरतमंद लोगों को राशन तब भी पहुँचता रहा। आंकड़ा हम भी नहीं बताएंगे मगर अल्लाह देखता है और हमारे बीच वो है और हमारे नेता शमीम खान के बीच है, जितेंद्र रावत साहब जानते हैं। हम लोगों ने जहां तक हो पाया एक एक घर जो चीजें हम लोग कर रहे हैं हम लोगों ने करा। किचन कम्युनिटी सेंटर बहुत सारे जो बंद हुए तो उस दौरान कुछ सब्जियों का वितरण का जो है काम किया गया। एग्जैक्टली तो कैसे क्या मामला था, ये सब्जियां कैसे वितरित की गई सब हम आपको बताएंगे सर। जब कम्युनिटी सेंटर चल रहा था तो ट्रक का ट्रक हमारी सारी चीजें उस दौरान सब यहाँ फील्ड में थे, सब आ रही थी, सब्जियां आ रही थी, फ्रूट्स आ रहे थे, बहुत सारी चीजें तब भी आ रही थी। देखिए फ्रूट अब भी आ रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी भी फ्रूट आ रहा है, कुछ सब्जी आ रही है, कुछ कांदा बटाटा जो भी आ रहा है ट्रक आता है चुपचाप यहाँ से थैली बन जाती है और हमारा वही टीम काम करती है जो इलेक्शन में वार्ड वाइज काम करती थी, उनको जरिए जगहों पर पहुँचा दिया जाता है। तो तब भी चल रहा था सर हमारा काम, अब भी चल रहा है। लग एहसान है कि इस वक्त जितेंद्र रावत साहब आ गए घर पे, मिसेज आ गई, उनकी भाभी भी आ गई, शमीम भाई भी घर पे आ गए, लेकिन इस वक्त क्वारंटाइन है। मगर उनकी जो टीम बची हुई है अल्लाह के एहसान से जो लोग पॉजिटिव नहीं है वो लोग थोड़ा रह के फेल में फोन पे और बाकी चीजों के जरिए उस काम को निभा रहे हैं। काम बदस्तूर जारी है, इंसानियत का मिशन रुका नहीं है। एग्जैक्टली इंसानियत का मिशन रुका नहीं है और वाकई इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता तो पूरे कौसा मुमरा में जहां तक भी हम लोग दीवा में भी हम लोगों ने किया है तो वहां कोई बगैर भेदभाव के कोई बगैर चीजों के हम लोगों ने सारी चीजें निभाई हैं और आगे भी अल्लाह ताला चाहेगा जब तक ये लॉकडाउन है, अवार्ड साहब ने बोला और शमीम भाई ने बोला इंशाल्लाह जब तक लॉकडाउन है हमारी ये टीम जमीन पे रहेगी और बगैर फोटो के बगैर सारी चीजों के हम लोग यानी लॉकडाउन कर्फ्यू महामारी इसके दौरान समाज के हर तबके को जो है आपने राहत पहुंचाने की कोशिश की। हमने पूरी कोशिश की है, हमारे नेता जितेंद्र रावत साहब की कोशिश, शमीम खान की कोशिश, हमारी पूरी टीम की कोशिश इंशाल्लाह जारी रहेगी। अल्लाह से बस आप लोग दुआ करिए कि लोग जो बचे हुए हैं कोरोना से बचे रहें और हिम्मत दे अल्लाह ताला और उनको वो जमीन पे काम करने का मौका दे। इसी तरह से कलवा मुमरा एनसीपी अध्यक्ष शमीम खान के इस पूरी राहत सामग्री को पहुंचाने का, राशन की किट्स हो, फ्रूट्स हो, प्याज की गोनियां या थैलियां हो, इनका काउंटिंग करना, इन ट्रकों को उतारना, इनकी पैकिंग करवाना, फिर इसको जरूरतमंदों तक पहुंचाना अपनी टीमों के जरिए, तो अहम किरदार निभाने वाले हैं। हमारे साथ में एक इस टीम के बहुत एक्टिव सिपाही प्रभु है हमारे साथ में। प्रभु क्या बताएंगे, कितनी कैसी क्या ये सारी एक्टिविटीज हुई है, कैसी ये पूरी सेवाएं लोगों तक पहुंचाई गई है और किस तरीके से काम हुआ है। पहले तो मैं पूरे मुमरा और कलवा वालों को मेरा सलाम, सलाम वालेकुम। जो हमारे अवार्ड साहब और शमीम भाई काम मतलब मेरे जिम्मेदारी पे दिया था उन्होंने, मेरे जिम्मेदारी और पूरे उनकी टीम के साथ में मैंने मिलकर पूरा काम किया हो और आगे भी हम लोग करते रहेंगे ये काम जब तक हमें शमीम भाई रावत साहब नहीं बोलेंगे जब तक ये काम हम करते रहेंगे। अच्छा ये राशन की किट्स की कैसे मतलब आप लोग मैनेजमेंट कैसा करते थे, इसका राशन आया है अलग अलग चीजें, चावल है, आटा है, चाय पत्ती है, शक्कर है, दालें हैं, तेल है और भी कुछ चीजें हैं, तो ये सब कैसे किट बनाते थे और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था। ये किट हम लोग बनाते थे जैसे कि चावल हो गया इसको अलग पैकिंग करते थे, दाल हो गया, शक्कर हो गया, चाय पत्ती हो गई, चना की दाल हो गई, काबुली चना हो गए, खजूर हो गए, ये हम लोग सब अलग अलग पैकिंग करते थे और एक पूरा किट 17-18 किलो का पूरा किट बनाते थे। पूरा किट बनाने के बाद जैसे कि हमारे शमीम भाई जो लिस्ट भेजते थे हमको, जो जो एरिए की लिस्ट भेजते थे, गरीबों एरिए की उनकी लिस्ट भेजते थे, वो हिसाब से हमारे जो मेरे नीचे जो मेरी टीम थी वो जब पूरे उनके डोर टू डोर जाके उनको पहुँचाते थे, घर में जाके पूरा पहुँचाते थे हम लोग। अच्छा फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ प्याज वगैरह की भी गाड़ियाँ आपके यहाँ उतरी तो कुछ पत्रकारों के भी माध्यम से आप लोगों ने लोगों तक पहुंचाया है जिसकी हम खुद उसकी तस्दीक करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं, तो ये भी काम कैसे अंजाम दिया गया।
फ्रूट का तो कैसा हुआ कि फ्रूट अभी रमज़ान जो पाक महीना चालू हुआ है, जो सब अफ्तारी और रोज़ा रखते हैं, इसके लिए हमारे अवार्ड साहब और शमीम भाई ने नासिक से गाड़ी मंगाए थे फ्रूट की। पहले तो अंगूर आया था, अंगूर हम लोग ने एक एक बैग में 3-3 किलो अंगूर पहले पैक किए, ज़्यादा से ज़्यादा पैकिंग की हम लोग ने, और पूरा हम लोग ने जो चाली हो गई, जैसे कि चांद नगर हो गया, धूम चाल हो गई, पहाड़ के साइड में जो बाईपास के ऊपर का जो भी पूरी चाली है, वहाँ पे हम लोग जो अफ्तार करने वाले भी और नहीं भी करने वाले, जो जैसे कि हमारे हिंदू भाई हैं, उनके वहाँ पे भी हम लोग पहुँचाते थे डोर टू डोर फ्रूट, और जैसे भी सब्जी आती थी, जो भी आता था, हम लोग डोर टू डोर पहुँचाते थे। अच्छा, ये अभी आगे काम कैसे जारी रहेगा? ये और हमारे शमीम भाई और अवार्ड साहब के आदेश से हम लोग ये काम जारी रखते रहेंगे, और इंशाल्लाह जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होएगा, जब तक अल्लाह हमें ताकत देगा, जब तक हम ये काम को अंजाम देंगे। लॉकडाउन कर्फ्यू और कोरोना वायरस की महामारी के दौरान पूरी तरह से खास करके फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके टीम बहुत बड़ी है। डॉक्टर जितेंद्र आवार, गृह निर्माण मंत्री और कलवा मुमरा के विधायक, कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान साहब, टीम इनकी बहुत बड़ी है, लेकिन इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम संभालने वाले दो मुख्य लोगों के साथ में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो या शमीम खान साहब, शोएब खान साहब, प्रभु भाई, इनका एक इत्याद वेलफेयर ट्रस्ट भी है, तो ये सब मिलजुल करके किस तरीके से मानव सेवा का काम कर रहे, इंसानी खिदमत का काम कर रहे हैं, उसके इस खबर के साथ हमने आपको कुछ वीडियो भी बताए हैं, तो किस तरीके से ये पूरा सिलसिला चला लॉकडाउन से अब तक और आगे भी जारी रहेगा, इसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ। Thank you.